हल्का हिला दीजिए, हल्का कर दीजिए, हल्का हल्का निकाल दीजिए, पकड़ ना गया जी दोस्तों। अभी हम टेकड़ा पहुंच चुके हैं और टेकड़ा से भी हमें थोड़ी दूर जाना है, चक्का पर गांव। तो बने रहिए वीडियो में, चलते आगे दिखाते हैं वहाँ क्या कंडीशन है सांप का, है ना। आगे जो बाइक जा रही है ना, इन्होंने हमें कॉल किया था। स्नेक कुएं में फंसा हुआ है, गिरा हुआ है। डेंजर स्थिति है और काफी पुराना कुआं लग रहा है ये। ठीक है, कितना किलोमीटर होगा? 80-85 ना, 80-85 किलोमीटर दोस्तों। तो शांति बनाने के लिए ठीक है दोस्तों, अंदर नीचे उतरते हैं। हल्का हिला दीजिए, हल्का कर दीजिए, हल्का हल्का निकाल दीजिए, पकड़ गिर ना गया जी। हल्का ढीला दीजिए, हल्का ढीला दे, मेरा नहीं ढीला दे, बस दे हमर पकड़ने, ढीला दे, ढीला ढीला दे, बस बोलिएगा। आप देख सकते हैं ये हमें देखने के बाद क्या गुस्सा में आ गया है, पत्थर की रसीद। देख सकते दोस्तों कितना खतरनाक तरीका से कुएं में बेचारा गिर चुका था। एक साइज काफी बड़ा साइज का ये स्नेक है। जा गिर जीते हो अंदर।
आप लोग गुस्सा देख सकते हैं कितना तेज गुस्सा है दोस्तों। तो चलिए हमसे ज्यादा तंग नहीं करेंगे और इसका रेस्क्यू करते हैं, निकलते हैं बाहर कुएं से। अरे गीटा गिर जाता है मुख का बाहर निकालते हैं और लेके से पूरा है मार्बल बहुत भाई है 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 ना आगे रस्सी पकड़ल चलिए तो कीजिए पहले ना ठीक है रोल कैमरा एक्शन घीची नहीं रे घीची नहीं आखी कर आस्ते आदमी लगल से नहीं आस्ते 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 खूब चले तब रुकियो रुकियो वीडियो बना रहे ऊपर तक किया भागने भागने अपने से साफ साफ गेलो ए सांप थे उन्ने तो इन्ने के हल्की मारे छे ये आदमी निकल चल रे देखो जन का हाथ पकड़ हाथ पकड़ हाथ आस्ते आस्ते आइए आस्ते आस्ते छोटा आइए जाने लग जाओ गरी हटा रे भैया गरी वाला आप लोग थोड़ा सा मंसूर
कुआं में कितने दिनों से गिरा हुआ था ये? दो मंथ से। कौन 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 किए थे? यहाँ का तुरंत फुल एड्रेस बताइए अपने नाम के साथ। जोर से बोले, कैमरा में बोले, देख कर जगह कौन सा ये? कौन सा है? चक्का पर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला। तो दोस्तों यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, जो की सेवा करने के लिए इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जी सर, जिसको हिंदी में भारतीय नाग जी। आप लोग क्या कहते हैं इसको, कौन से नाम जानते हैं? नाग, नाग, नाग से नाम से जानते हैं। क्या आप क्या बोले? नाग है, नाग, नाग है, नाग है। तो ये नाग ये है ना, हम लोग के वहाँ इसको खरीस बोलते हैं, नाग बोलते हैं, गहमन बोलते हैं। तो हर एक जगह हर एक तरह के नाम से लोग इसको जानते हैं। इसका जो जहर होता है काफी पावरफुल जहर होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को जानवर को अगर ये काट लेगा ना तो जान आसानी से चल जाएगा। तो कभी भी सांप अगर आप लोग के सामने आ जाए, घर में सांप रहे तो सांप से सांप के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ कीजिएगा तो ये क्या है, आपको काट लेगी। अगर मान लीजिए आप लोगों को सर्प दंत हो जाता है तो कहाँ जाना है? तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जानी है। तो कहाँ जानी है? डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है ना, जब तक स्नेक एंटीवेनम नहीं लगेगा, जब तक स्नेक एंटीवेनम नहीं लगेगा जान नहीं बचेगी। वहाँ से ये निकल गया है ना, अब इसका जान बचे, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जान बचा दिए तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम एक स्नेक कैचर है ना, 24 घंटा सेवा होता है पूरे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, ठीक है। कभी भी समस्या हो आप लोग को 24 घंटा सेवा होता है, कभी भी समस्या हो कॉल कीजिएगा, चले आएंगे। कोई छेड़छाड़ नहीं करना सांप से। एकदम बोतल के सीन ले रहे हैं। आप लोग संतुष्ट है, इसको पैक कर ले, अब पैक कर ले। सुनिए तो ठीक है दोस्तों, इसे पैक कर लेते हैं और कोई ठीक है दोस्तों, इसे पैक कर लेते हैं। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को पसंद आया तो इनका ले लीजिए। गोपी है, गोपी इसको आए तो छब्बे तो हाँ आने जल्दी बोलबो ही। कभी भी सर्प दंत हो जाए जी सर तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाना है दोस्तों। ओझा कुनी झाड़ फूक के चक्कर में रहिएगा तो फिर झड़वाते रह जाएगा जीवन भर, जान नहीं बचेगा, जहरीला सांप काट लेगा। अस्पताल ये नाग है, नाग है ना? हाँ, इसका जो जहर होता है काफी खतरनाक जहर होता है। तो ठीक है चलिए चलते हैं, यहाँ के लोग फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से का रेस्क्यू किए जो कि तिगरा चक्का पर, जहाँ से बिग साइज का इंजन स्पेक्टिकल कोबरा का रेस्क्यू कड़ी मशक्कत के बाद हुई है। हालांकि कुएं की गहराई काफ़ी नीचे थी। तो देखिए ये भारतीय नाग जा रहा है अपना नया जीवन जीने के लिए। तो दोस्तों अगर ये कुएं में रहता तो शायद इसकी जान चली जाती, और कुआं भी ऐसा था कि इससे उसे निकालना बहुत ही मुश्किल थी। तो चलिए चलते हैं।